16 अप्रैल को पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किया गया है आह्वान, और यह आह्वान बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने किया है। साफ सुथरा छवि के आदमी है, कहीं किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, न किसी प्रकार की कोई बाहुबली है, लेकिन जो उम्मीदवार है वह बाहुबली भी है, बाहुबली के साथ साथ अपराधी प्रवृत्ति के छवि के लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों से लोग भेंट करना चाहते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे उम्मीदवार को। तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाला है 26 अप्रैल को, मैं तमाम लोगों से मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के छवि को देखते हुए, यहाँ के जो शांति प्रिय उम्मीदवार हैं उनको छवि को देखते हुए, आप 26 अप्रैल को 3 नंबर बटन दबाइए और 3 छाप से पर वोट दीजिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को हाथ बचाइए, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, फिर आने वाले समय में मोदी जी ने कहा कि 10 साल में जो हम काम किए हैं अब तो काम की शुरुआत होगी, और हर काम की गारंटी है मोदी जी ने कहा है। इसलिए यह जो 5 वर्ष का मोदी जी का जो काम होगा, देश नहीं पूरा विदेश में इसकी प्रशंसा होगी ऐसे प्रधानमंत्री जी के काम की। इसी निमित्त आप सबों के माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह विनती करता हूँ कि आने वाले समय में आप जो है कल के दिन में आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन लें, और 26 अप्रैल को आप 3 नंबर बटन दबा करके यहाँ के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को जिताइए, संतोष कुशवाहा को भारी बहुमत जिताइए, जो केंद्र में सरकार बन सके। बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम एनडीए के दल के नेता पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पहुंचेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने आह्वान किया है कि एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के 3 छाप पर बटन दबाकर भारी मतों में उन्हें विजयी बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के आपराधिक इतिहास पर चर्चा उन्होंने की, और निर्दलीय प्रत्याशी पर 41 मामले दर्ज हैं यह भी बताया। सभी मामलों में कोर्ट लंबित है। पूर्णिया का जो विकास करेगा, जिस पर इतने आपराधिक मामले हो, वह पूर्णिया का कैसे विकास करेगा। उन्होंने कहा, पूर्णिया को भयमुक्त बनाना है, न कि गुंडा राज। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होकर एकजुटता का परिचय दीजिए। अब की बार 400 पार मोदी जी के सपनों को साकार कीजिए। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को विजयी बनाइए। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। बनमनखी विधानसभा से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।